है और मैं गौरव यादव आज से आपको मैथ पढ़ाऊंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैथ को सभी लोग टफ मानते हैं, मैथ कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरे साथ साथ आप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको मैथ में पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस आपको राइट पढ़ाऊंगा आपसे। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं लाभ हानि। बस आपको इतनी बताओ प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सी, कब होता है सीपी से बड़ा एसपी हो। अब देखो सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो कहता है एसपी। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य। सीपी देख लीजिए, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्या होता है सीपी क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या हो जाएगा आपका सीपी। सीपी मतलब आपका क्रय मूल्य। देखिए प्रॉफिट कब होगा, एसपी माइनस सीपी, कब होगा सीपी से बड़ा एसपी हो। मतलब मान के चलो सीपी आपका 500 रुपए है, एसपी आपका कितना 600 रुपए। सीपी क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई, एसपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, एसपी हो गया, एसपी कितना होगा आपका 600। कितने का प्रॉफिट, 100 रुपए का प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए। तो प्रॉफिट कब होगा, एसपी माइनस सीपी, जब तुम्हारा सीपी से बड़ा एसपी होगा। सीपी से बड़ा एसपी होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस देख लीजिए, लॉस सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। देख लीजिए सीपी बराबर मान के चलो 500 रुपए और एसपी बराबर मान चलो 400 रुपए। सीपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो खरीद के कितने लाभ, 500 रुपए की, एसपी 400 रुपए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है कितना हुआ 400 रुपए। तो कितने का लॉस हो गया, 500 की खरीदते रहा, 400 की बेची, लॉस हुआ, हानि हुई ना कितने रुपए की, 100 रुपए की। हानि कब होगी, एसपी से बड़ा है सीपी, एसपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक है सीपी ग्रेटर देन एसपी और एसपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक है, ओके। आपको जितना पता प्रॉफिट कब होगा एसपी माइनस सीपी, लॉस कब होगा सीपी माइनस एसपी, इतना क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए आगे, देखिए प्रॉफिट बताया था प्रॉफिट बताया था एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज देख लीजिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। तो कह सकते हो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा 100, ठीक है। आप बोल सकते हो लॉस अपॉन सीपी गुणा 100, क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी गुणा के 100। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा के 100, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा के 100। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी गुणा 100, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी गुणा 100। देखिए लॉस क्या है, सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट जो तुम्हारा लॉस प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो हमेशा सीपी पे होगा। और क्या कहते हैं सीपी पे क्या होगा, हम तो नहीं मानते सीपी पे होगा। अरे भैया सीपी पे होगा, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जब कोई वस्तु तुम खरीद के लाओगे उसको बेचोगे तभी तो लॉस या हानि होगी, सीपी पे होगी।
ठीक है, ये हो गया आपकी कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या हो गया आपकी कॉस्ट प्राइस। ओके देखिए बस ये चार फॉर्मूला आपको याद पता होनी चाहिए कि लॉस क्या है और आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके देखिए जी कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो, राम किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है तथा वह उसे 400 रुपए में बेच देता है तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। राम किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है तो वह उसे 400 रुपए में बेच देता है तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। पहले तो आप सीधा सीधा देख लीजिए लाभ होगी हानि होगी। राम किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, सीपी कितना होगा 500। एक बार सीपी 500 क्या होगा, सीपी खरीदता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, सीपी होता है ठीक है, एसपी 400 रुपए, 400 रुपए में बेच देता है तो लिखा है तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो हानि हुई है क्योंकि सीपी 500 था, एसपी 400 रुपए, सीपी कितना था 500, एसपी कितना है 400 रुपए, तो कह सकते हो लॉस कितने का, लॉस कितने रुपए का, 100 रुपए का लॉस। तो आपके लाभ की पॉइंट तो सीधी सीधी कैंसिल, तो क्या निकाल दो लॉस परसेंटेज, लॉस पर कितने का लॉस 100 का, कितने पे 500 पे गुणा 100 डबल जीरो दो जीरो, ये कटा अंदर कितना 20%, 20% क्या होगा भैया 20% होगा लॉस। ओके यहां तक कोई परेशानी, कोई परेशानी। देखिए अगर आपको कोई परेशानी आती है कमेंट सेक्शन में बिना बेझिझक बोलते हुए बता देना। ठीक है अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन चलेंगे पहले और बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे धीरे धीरे बढ़ते हुए टाइप करो। 15 रुपए कीमत, 15 रुपए कीमत वाली एक किताब, 15 रुपए कीमत वाली एक किताब 18 रुपए में बेची जाए। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत, इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि, लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई। 15 रुपए कीमत वाली एक किताब, देखिए 18 रुपए में बेची गई, 15 रुपए कीमत वाली एक किताब, तो क्या आप कह सकते हो सीपी कितना है 15 रुपए, सीपी बराबर 15 रुपए, एक किताब 18 रुपए में बेची गई, एसपी बराबर 18 रुपए। इस प्रक्रिया में कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई, तो बता सकते हो आप 15 रुपए की चीज थी 18 रुपए में बेची गई, प्रॉफिट नहीं हुआ, आप बता सकते हो सीधा 3 रुपए का प्रॉफिट, 3 रुपए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100, या कह सकते हो आप एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा 100 कह सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कितने का प्रॉफिट, 3 का, कितने पे 15 रुपए पे,
गुणा के लिए 100% के लिए गुणा 100, तीन से काटोगे पांच बार का, इसमें इसका भाग दे कितना 20% प्रॉफिट। अब ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके एक बार और देख लीजिए, सीपी कितना होगा 15 रुपए में, किताब का 18 रुपए में फ्री चीज आए, एसपी कितना होगा 18, प्रॉफिट कितने का 3 रुपए का, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, प्रॉफिट कितने का भैया 3 का, सीपी कितना है 15 है गुणा 100, 3 बचे 15, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा 20% प्रॉफिट। ओके देखिए अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने ₹250 में एक साइकिल खरीदी, किसी व्यक्ति ने ₹250 में एक साइकिल खरीदी, ठीक है, उसे वह कितने रुपए में बेचेगी, उसे वह कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो, ठीक है। किसी व्यक्ति ने ₹250 में एक साइकिल खरीदी, उसे वह कितने रुपए में बेचे कि 10% कितने रुपए में बेचे, तो आप कह सकते हो कितने रुपए में बेचे, क्या है एसपी है सेलिंग प्राइस। किसी व्यक्ति ने ₹250 में एक साइकिल खरीदी, सीपी कितना है ₹250, मेथड वन देख लीजिए भाई, सीपी कितना है ₹250, उसे कितने रुपए में बेचे 10% का लाभ हो, सीपी एसपी क्या होता है लाभ है हानि किस पे होती है सीपी पे, तो सीपी का 10%, सीपी कितना है 250 है, 250 का 10% 110 100 2020 कैंसिल 11 55 2 5 27 275 रुपए हो गया एसपी, कितना हो गया एसपी 275 रुपए, ठीक है। क्यों हुआ, हमने 250 बढ़ा 110 बाय 100 क्यों करा, क्योंकि लाभ या हानि जो होगी किस पे होगी सीपी पे, और लाभ या हानि सीपी पे होने के बाद क्या बनेगा एसपी बनेगा, ठीक है। अब मेथड टू देख लीजिए, किसी व्यक्ति ने 250 में साइकिल खरीदी है, कितने रुपए में बेचे 10% का लाभ हो, कितने का हो 10% का लाभ, 10% का लाभ 10%, इसको फ्रैक्शन मेथड में बनाओगे 10/100 कितना होगा 1/10, 1/10 क्या है सीपी, ऑरिजिनल हमेशा नीचे होगा, किस पे हो रही है भैया 10% प्रॉफिट, सीपी पे तो हो रहा है, सीपी पे 10% प्रॉफिट होगा तभी तो एसपी बनेगा, तो ऑरिजिनल हमेशा नीचे। आप देखो 10 रुपए पर कितने का प्रॉफिट, एक का, ये क्या है 1 रुपए प्रॉफिट, सीपी कितना हमारा 10 रुपए, एसपी कितना हमारा 11 रुपए, देखिए एक्चुअल में सीपी कितना है हमारा 250 रुपए, जो क्या है मैं गिवन है 25 गुणा करी आ जाएगा, इसमें 25 गुणा मार दो, जो काम यहां होगा वो काम यहां पे होगा, कितना आ गया भैया 275 रुपए, एसपी कितना होगा आपका 275 रुपए, ठीक है। आप भले ही चाहे इसमें मेथड से करो, भले ही आप इस मेथड से करो, जो आपको अच्छा लगे आंसर तो उनसे सेम होगा, ठीक है। देखिए से एक बार देखिए, 10% है, 10% ले सकते हो 10/100, ठीक है, 1/10 मैंने बोला ओरिजिनल हमेशा नीचे, ओरिजिनल कितना है 10, क्यों है भैया ओरिजिनल नीचे, क्योंकि भैया लॉस या प्रॉफिट जो होगा किस पे होगा सीपी पे होगा, सीपी 10, 10 पे 1 का प्रॉफिट, 10 पे 1 का प्रॉफिट, एसपी कितना बन रहा 11 है, और कितना है सीपी हमारा 250 रुपए, कितने गुणा करें 25 की, जो यहाँ काम होगा वो यहाँ पे होगा 11 25 गुणा 275 रुपए, 250 में गिवन था, ठीक है। आगे चलो देखिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कोई व्यक्ति पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कोई व्यक्ति 560 रुपए में एक
साइकिल, एक साइकिल खरीदता है कितने रुपए में खरीदता है भैया? 560 रुपए। तो 560 रुपए क्या आपका सीपी खरीदता है। वह इसे कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो। ओके, क्या बोला? 10% की हानि हो, 10% की हानि हो। देख लीजिए, कोई व्यक्ति 560 में एक साइकिल खरीदता है, इसे वह कितने रुपए में बेचे 10% की हानि हो। 560 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, सीपी कितना होगा भैया? 560 रुपए। मेथड वन है, सीपी 560 है। मैंने बोला था लाभ हानि जो होगी सीपी पे होगी, 560 पे 10% की हानि लिख सकते हो 90/100। ये कटा 9 से करोगे 9 6 54 4, 9 5 45 45 5 50। ठीक है, 504 रुपए। क्या हो गया? 504 रुपए एसपी। क्यों हो गया एसपी? लाभ हानि किसको होगी? सीपी पे। लाभ हानि पे सीपी पे होने के बाद क्या बनेगा? एसपी बनेगा। मेथड टू देख लीजिए, इसे कितने रुपए में बेचे 10% की हानि हो। कितना है 10%? फ्रैक्शन मेथड बनाएंगे, 10/100 करेंगे। 10/100 का मतलब 1/10। मैंने बोला था ओरिजिनल नीचे कितना है? नीचे सीपी 10 है, कितने क्या है? लॉस है ना, 10% की हानि लॉस। सीपी इक्वल टू 10, एसपी इक्वल टू 9। हमें गिवन क्या है? 560 में खरीदता है, 560 में गिवन है। ठीक है, कितने गुणा? 56 की, इसमें करोगे 56 गुणा 9 6 54 9 5 45 और 4 50। 504 रुपए क्या हो गया? 504 रुपए एसपी। और इसमें एक बात आप सोच सकते हो कि 56 की गुणा क्यों करी हमें नहीं पता, कैसे करी, क्यों करी हमें नहीं आती। सीधी बात तो भैया नहीं आती, आती बहुत बच्चे जिन्हें नहीं पता कैसे ही काम हुई। इसका इसमें भाग देख के देख लो, 560/10 करोगे, इसे काटोगे कितना आ गया 56। तो सीधे सीधे पता लगा सकते हो कितने की गुणा करने पे इतना आएगा, 560 आएगा। तो 10 में 56 गुणा करी कितना है? 560। 560/10 करोगे पता चल जाएगा कितनी गुणा होगी, जो जितनी यहाँ पे गुणा होगी उसी की एसपी होगी।